हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, अपने घर की सफाई हो रही है, नवरात्रि चल रहा था तो इसको गोबर से इसकी पुताई की जा रही है। देखिए, दो योद्धा लगे हुए हैं, एक टुनटुन विश्वकर्मा और एक जोखू बाबा। टुनटुन जी का काम है खाली लिपना, लिप जहाँ जाते हैं वहाँ लिप देते हैं। आप लोग लिपने का मतलब समझ ही रहे हैं। देखिए, वही काम कर रहे हैं, पूरा वहाँ तक इसको लिपना है। और ये गोबर है, गोबर मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, इसको काउडंग बोला जाएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो समझ सकते हैं काउडंग, जो बहुत सही होता है। और इसमें क्या है कि धान लगभग तैयार हो गया, तो इसको हमको धान को सटकना है, इसलिए इसको लिपा जा रहा है। और जो ये हो रहा है इसको लिपाई बोलते हैं। देखिए, जगह जगह गोबर गिराया हुआ है। देखिए, तो ये लोग लगे हुए हैं, अभी हो जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद फिर यही काम करना है। ऐसे करते करते पूरी सफाई हो जाएगी। हमने आपको अपनी सब्जी दिखाई थी, देखिए अब सब्जी ख़त्म हो चुका है। पिछले ब्लॉग में इसको हमने पूरा साफ करवा दिया है। देखो, देखिए पपाया का ट्री है, पपाया इतना सारा हुआ है। और इधर देखिए, सारी सब्जी ख़त्म हो गई, बस ये जिसको सीताफल बोला जाता है उसका पेड़ रह गया है, तो ये ज़्यादा फल दे नहीं रहा है, तो इसको भी देखते हैं, फिर पूरा साफ़ करवा दिया जाएगा। साफ़ करवा के लहसुन सरसों, कल सरसों की बुआई चलेगी, बीज छिड़का जाएगा, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। और इधर देखिए, ये भी पपाया का पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसका नाम तो पता नहीं है, बस ये डायबिटीज़ में बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए लगाया गया है। इसके पत्ते खाने से डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो क्या फेस्टिवल भी आ रहा है, दशहरा है पास ही। देखिए, मिर्च का पेड़ है, मिर्च का ऐसा हमने फिर 10-15 और पौधे लगाए। देखिए, तो मिर्च खरीदना नहीं पड़ता है, सारा मिर्च घर के लिए मिर्च इसी से काम हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि सब्जी सारी घर पे ही हो जाए। देखिए, पपाया है, पपाया का भी कुछ सब्जी बन जाता है। और देखिए, सफाई चल ही रहा है, देखते हैं और पौधे हमने लगाए हैं घर पे। देखिए, टुनटुन भाई सब स्लो हो गए हैं, थक गए हैं। बोलना चाहते हैं जी, इतना आप लिपने में एक्सपर्ट कैसे हैं? लिपने में एक्सपर्ट कैसे हैं बताइए, कैसे इतना अनुभव हो गया कि जहाँ जाते हैं वहाँ लिप देते हैं? देखिए सारा ये गोबर है, जैसे पानी गिरा के इसको पूरा फैलाया जा रहा है। पहले मिट्टी का घर होता था, ऐसे इसी से लिपा जाता था। ये पूरा वहाँ तक करना है, इसको दिखाते हैं, जब पूरा हो जाएगा तो इसको मैं दिखाऊंगा। अभी बोरियाँ करूँ क्या कहीं? और दोस्तों देखिए, ये क्या बैगन का पौधा है, इसको कीड़ा खा रहा है, इस पर दवा छिड़कना होगा, कीड़े का अटैक हो गया। देखिए, ये भी बैगन है, इस पर भी कीड़े का अटैक हो गया है, इसके लिए दवा लाना होगा। देखिए, फिर ये देखिए, एग्री व्यासी है, ये वेस्टिज का प्रोडक्ट है जो हम लोग एक्टिवेटर के रूप में यूज करते हैं। इसका है कि आप कुछ भी इसमें डाल दीजिए, मतलब अगर कुछ भी खाद दे रहे हैं तो उसका 20% खाद का अमाउंट कम करके इसको डाल दीजिए, तो एक्टिवेटर काम है, मतलब जो चीज़ डाल रहे हैं वो और अच्छे से काम कराएगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 110 और का मिल जाता है। तो हम लोग कई बार मतलब एक बोतल आपका एक एकड़ पे डाल सकते हैं, या घास के लिए भी अगर दवा डाला जा रहा है घास मरने के लिए, तो उसमें एक टंकी पे 5 ml जो ग्रीन कलर का ढक्कन दिख रहा है इसे आप डाल सकते हैं। फिर ये देखिए, ये टोमेटो का पेड़, किसका टोमेटो है ये भी है टोमेटो,
देखिए सारा, तो ये तक जनवरी फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहता है हम लोग का। कुछ ना कुछ लगाते हैं, 50% वेजिटेबल्स घर पे ही हो जाते हैं, 50% परचेज करना होता है। देखिए टोमेटो है ये भी, फिर ये देखिए ये मिर्च है, किसका है पौधा, मिर्च का, अभी वहाँ दिखाया था, फिर नया तैयार हो जाएगा। मिर्च लंबा चलता है, 2-3 साल तक चल जाता है। ये भी मिर्च का पौधा है, ये भी मिर्च है, देखिए ये सारा मिर्च है। तो अभी गोभी टमाटर का भी गोभी का भी लगना है, गोभी मूली ये सब लगेगा, उसका मैं दिखाऊंगा। देखिए सारा पास से पौधा पहचानी है, ये मिर्च का है, और देखिए बैंगन को कीड़ा खा रहा है, इसका उपाय होगा। और ये जो प्लॉट अभी दिख रहा है खाली है पूरा, इस पर हम लोग कल सरसों की खेती करेंगे। जो नमी है देखिए, नमी थोड़ा कम हो जाएगा तभी होगा, आज पूरा धूप लग जाएगा तो कल हो जाएगा। तो इसमें लगभग 250 ग्राम सरसों का बीज लग जाएगा, प्लस 4-5 किलो खाद, इसमें 2-3 किलो डाई, 2-3 किलो यूरिया मिक्स होगा। उसके उधर आपको दिख रहा होगा धान है हमारा तैयार हो गया है, उसको काटना है, मैंने बोला था धान दिखाएंगे। देखिए ये इसको जाके पास से दिखाते हैं, बहुत अच्छा हुआ है समय पे हो गया है, क्योंकि ऐसा धान चाहिए जो समय पे हो जाए, समय पे नहीं होगा तो सही नहीं रहता है। चलिए पास में जाके दिखाते हैं उसको, देखिए हमारा ये धान है, अभी हो जाएगा तो इसको दशहरे के बाद कटवा के हटा दिया जाएगा, फिर इसमें पूरा सरसों लगेगा, तो अपना घर का काम हो जाएगा, तेल खरीदना नहीं पड़ता है। बाकी धान जो है उसको होने में टाइम लगेगा, तो ऐसा हम लोग धान की खेती करते हैं कि जो जल्दी हो जाए, सरसों का भी काम हो जाए। देखिए आंधी आई थी तो आंधी में धान की बर्बादी देखिए, सारा धान डाउन हो गया है। देखिए जो गिर गया धान, इसमें क्या है, उतना फल में दम नहीं रहेगा। ठीक है, और उधर भी है, अभी उधर जाके दिखाएंगे। देखिए ये अभी टाइम है, 1 महीने इस धान में टाइम है, ये तैयार हो गया, इसीलिए सफाई वगैरह के वहीं पे धान को रखा जाएगा, इसका चावल मजा दिया जाएगा। इधर देखिए ये रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, योगी जी का गड्ढा भरो अभियान, जो साल में दिवाली के पहले कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इससे थोड़ी राहत हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं होती गड्ढा भरो अभियान से, क्योंकि वो बाद में उखड़ ही जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए राहत होती है। देखिए रोड कैसे कब बनता है, हर दिवाली के पहले गड्ढा भरो अभियान चलेगा, सही है, कुछ तो हो रहा है, पहले वो भी नहीं होता था। और देखिए ये इसमें जो नमी है, ये नमी ख़त्म हो जाएगी तभी हम लोग सरसों का बीज छिड़केंगे, मतलब हल्की सी नमी चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा नमी है इसमें। और इधर देखिए हमारे सेना लगे हुए हैं घर की सफाई में। देखिए सागौन का पेड़ है, हम लोग मैक्सिमम सागौन का पेड़ या अमरूद का पेड़, इसको एकदम गार्डन बना देना है। पहले रहते नहीं थे हम लोग, 2 साल से रह रहे हैं, तो धीरे 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 करके 5-6 साल में गार्डन का रूप ले जाएगा। इसमें भी देखिए गुआवा है, फिर इधर देखिए ये मैंगो, क्या है, मैंगो है, ये देखिए गुड़हल का पेड़ है, अलग अलग फूल चाहिए होते हैं। इधर हम लोग की सेना लगी हुई है, आज कंप्लीट कर देना एकदम। देखिए उससे मैंने दिखाया था तो यहीं तक थे, अब टुनटुन भाई यहाँ तक आ गए, इसलिए बोले इनका काम है लिपने का, यहाँ रहेंगे लिपते रहेंगे। देखिए कितना स्पीड में काम करते हैं लिपने का। और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, गांव की एक एक चीज़ें दिखाई जाती है जितना पॉसिबल होता है, खेती कैसे होता है, यहाँ के लोग कैसे लाइफ जीते हैं। थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होता है गांव में, काम का ऑप्शन बहुत कम है। देखिए दोस्तों यहाँ तक लिपाई हो गया है, बस उतना बाकी रह गया, इसको टुनटुन भाई या जोखू भाई मिलके जल्दी कर लेंगे।
इतना से देखिए बहुत अच्छा लगने लगा, ये सूख जाएगा फिर एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर एक बार और लिप दिया जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। देखिए वहाँ से पानी आ रहा है, इससे पानी डाला जाता है गोबर पे। गोबर बहुत काम का चीज़ है, इसको इसमें क्या खेत में डाल दिया जाए, गुड़ मिला के खाद का काम करता है, फिर ये रिपाई का काम करेगा, जलावन का तो काम करता ही है। लेकिन आप लोग गैस वाला सिस्टम हो गया है तो गैस का यूज करते हैं, गैस का सिस्टम हो गया तो देखिए कितना देर में कंप्लीट होता है, कम मेहनत नहीं है। उधर देखिए योगी जी का रोड अभियान चल रहा है, जो आदमी फावड़ा चला रहा है, चलिए इसका भी एक ब्लॉग बनाते हैं, लोग क्या कर रहे हैं। दो चार दिन से काम कर रहे हैं, दिवाली के पहले गड्ढा भरो अभियान चल रहा है इन लोग का। देखिए टुन टुन महाराज लगे हुए हैं, यहाँ तक पहुँच गए, फिर आप आगे का देखते हैं कब कंप्लीट करते हैं ये। देखिए ये सत्यम भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हटावा हो। देखिए एक कहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया लगभग, ये कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ था, शुरू होते हुए ये पूरा हुआ, इसके बाद लगभग कंप्लीट हो गया, वही लास्ट बचा है। इसको जो भाई साहब खींच रहे हैं तो साफ़ सफाई ज़रूरी है, और चलिए अगले ब्लॉग में और कुछ दिखाया जाएगा। अभी मैं रोड को कवर करूँगा, ये योगी जी का जो गड्ढा भरो अभियान है हर साल होता है, चलिए अभी के लिए बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।